हेलो एवरीवन आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ऑफ़ एसी हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि एवरेज मीन वैल्यू क्या होती है ठीक है उसी तरह से एक दूसरी वैल्यू होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो समझें इसे अब हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं डेफिनेशन में है इट इज़ डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करेंट विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इट जनरेट बाई अल्टरनेटिंग करेंट इन द सेम सर्किट फॉर फुल टाइम पीरियड ठीक है अब ध्यान दें यहाँ पर क्या बोले हैं कि द वैल्यू ऑफ स्टडी करेंट स्टडी करेंट क्या है आपका डायरेक्ट करेंट ठीक है डायरेक्ट करेंट है डायरेक्ट करंट को ही क्या बोलते हैं हम स्टडी करंट बोलते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रहे आपको कि ये डायरेक्ट करंट की बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट करंट की ऐसी वैल्यू विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट जो जनरेट करती है सेम अमाउंट ऑफ हीट यानी जितना एज इट जनरेट बाई अल्टरनेटिंग करेंट इन द सेम सर्किट जितना कि अल्टरनेटिंग करेंट सोर्स के थ्रो हीट जनरेट की जाती है उसी के बराबर तो अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू uh, होती है वो कॉमनली क्या होती है आपका मेनली होती है आपका स्टडी करेंट ठीक है यानी डायरेक्ट करेंट मैं फिर से इसको एक बार रिपीट करता हूं हेलो एवरीवन आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ और वर्चुअल वैल्यू ऑफ ए सी यानी अल्टरनेटिंग करेंट यानी अल्टरनेटिंग करेंट की आर एम एस वैल्यू या फिर वर्चुअल वैल्यू क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टडी करेंट विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इट जनरेट बाई अल्टरनेटिंग करेंट इन द सेम सर्किट फॉर द फुल टाइम पीरियड

तो जितना अल्टरनेटिंग करेंट सोर्स फुल टाइम पीरियड में हीट जनरेट करेगा उतनी ही जनरेट करे डायरेक्ट करंट के थ्रू तो जो डायरेक्ट करंट या स्टडी करंट की जो वैल्यू होगी उसी को हम बोलेंगे आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ठीक है इट इज़ डिनोटेड बाय आरएमएस और आईवी इसको हम आरएमएस या फिर आईवी से डिनोट करते हैं ठीक है अब इसको हम थोड़ा डेफिनेशन के थ्रू डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं डेफिनेशन तो हमने देख ली अब डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि रूट में स्क्वायर वैल्यू क्या होती है ओके okay? तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक आर रेसिस्टेंस है ठीक है जिसको हमने एक अल्टरनेटिंग करेंट सोर्स से जोड़ा है ठीक है ये क्या अल्टरनेटिंग करेंट सोर्स है और दूसरे डायग्राम में आप देखें कि जो रेजिस्टेंस है सेम रेजिस्टेंस है उसको हमने डायरेक्ट करेंट सोर्स या स्टडी करेंट सोर्स से जोड़ रखा है ठीक थी, ठीक है तो होता क्या है कि हम फुल टाइम पीरियड में हम देखेंगे कि यहाँ पर इस रेजिस्टेंस में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई कितनी हीट जनरेट हुई ठीक है अब यहाँ से हमें हीट पता चल गई कि एक कंप्लीट साइकिल में एक साइकिल क्या होती है आपका ये इसे हम क्या बोलते हैं एक कंप्लीट साइकिल बोलते हैं तो एक कंप्लीट साइकिल में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई अब हमें हीट का पता चल गया अब हम क्या करेंगे दूसरे डायग्राम में देखें कि यहाँ पर अब हम डायरेक्ट करंट सोर्स के थ्रू हम यहाँ पर आई की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक कि रेजिस्टेंस में सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट नहीं हो जाता यानी कि जितनी हीट यहाँ जनरेट हुई थी उतनी हीट हमें यहाँ पर जनरेट करनी है और यहाँ पर जो आई की वैल्यू होगी ठीक है अगर हम सेम अमाउंट जनरेट कर लेते हैं हीट का तो यहाँ पर जो हमें करंट की वैल्यू मिलेगी उसी को हम क्या बोलेंगे आपका आई आर एम एस बोलेंगे ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आपका ये आई आर एम एस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू कहलाई जाएगी अल्टरनेटिंग करंट की ठीक है देखें एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है कि हमने इससे पहले एवरेज मीन वैल्यू की बात की थी ठीक है और अभी हम आर एम एस वैल्यू की बात कर रहे हैं ठीक है ये दोनों वैल्यूज लेने की हमें ज़रूरत क्या पड़ी आखिर ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ा तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जो अल्टरनेटिंग करंट होती है अगर हम उसको किसी भी सर्किट से जोड़ें तो ऐसा माना जाता है ये वेरिएबल करंट है ठीक है इसकी एग्जैक्ट टाइम पर हम वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते हैं हम नहीं बता सकते हैं कि भाई किसी टाइम पर इसकी वैल्यू क्या है इसीलिए हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं बार बार पहले भी हमने करा था और अभी भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं पहले हमने बोला था अगर आपको ध्यान होगा तो हमने पहले बोला था कि चार्ज जनरेट करें ठीक है जब हम एवरेज मीन वैल्यू की बात कर रहे थे तो वहां पर बोल रहे थे कि हम चार्ज जनरेट करें तब भी हमने कंपैरिजन करा था दोनों का और यहां पर भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं बट यहां पर जनरेट कर रहे हैं हम हीट वहां पर कर रहे थे चार्ज यहां पर कर रहे हैं हीट ठीक है heat, तो और इसके साथ साथ दोनों में एक अंतर और भी है कि अगर हम एवरेज मीन वैल्यू की बात कर रहे थे तो वहां पर हाफ साइकिल या हाफ टाइम पीरियड की बात चल रही थी और यहां पर फुल टाइम पीरियड की बात चल रही है ठीक है एक कंप्लीट साइकिल में जितना टा, टाइम लग रहा है उस उतने टाइम में कितनी हीट जनरेट हुई इसकी बात कर रहे थे ठीक है तो ये अंतर भी है लेकिन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है डायरेक्ट करंट की वैल्यू से ठीक है इस चीज़ को ध्यान में रहे कि हम दोनों ही वैल्यूज़ में अगर हम मीन वैल्यू की बात करें या आई आर एम एस की बात करें दोनों में ही हम कंपैरिजन करके इसकी वैल्यू निकालने अल्टरनेटिंग करेंट की ओके तो आगे बात करते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन आर एम एस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ ए सी अब आर एम एस वैल्यू और पीक वैल्यू जो होती है एसी की उनके बीच में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में जानते हैं ओके द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ए सी पासिंग थ्रू आर रेजिस्टेंस आर इज गिवन बाई आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी जो अल्टरनेटिंग करंट होती है हम उसको आई नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में लिखते हैं सिंपल सी बात है पहले भी बोल चुके हैं द अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस चेंजेसली विध टाइम लेट अस सपोज दैट द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस रिमेंस कांस्टेंट फॉर एन स्मॉल एनफॉल डी टी स्मॉल अमाउंट ऑफ द ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस आर इन टाइम डी टी इज हमसे बोले कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो टाइम के साथ साथ कंटिन्यूसली चेंज होती है सो लेट अस सपोज द करेंट थ्रो द रेजिस्टेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर एन इन्फाइनली स्मॉल टाइम इन स्मॉल टाइम डी टी ठीक है हमसे क्या बोले कि जो करेंट पास हो रही है रेजिस्टेंस में एक स्मॉल टाइम डी टी के लिए वो क्या होगी कॉन्स्टेंट होगी यानी कि यूनिक वैल्यू होगी हम किसी भी टाइम पर बात करते हैं मतलब कोई भी जैसे ये हमारे पास अल्टरनेटिव करंट की वेव फॉर्म है यहाँ पर अगर हम एक टाइम की बात करेंगे तो एक टाइम के लिए जो हमें करंट की वैल्यू मिलेगी वो भी कैसी मिलेगी वो भी हमें यूनिक वैल्यू मिलेगी ठीक है तो इसलिए कांस्टेंट होती है देन स्मॉल अमाउंट ऑफ दैट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस आर इन टाइम डीटी तो इसलिए अब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट निकाल लेते हैं कितना होगा तो वो कितना होगा देखें आई स्क्वायर आर डी टी ठीक है अब आई यहाँ पर क्या है अल्टरनेटिंग करंट तो इसकी वैल्यू रखी तो हमें मिला आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी ओके आगे सॉल्व करते हैं इसको आगे सॉल्व करने पर मिला हमें डी एच इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी ठीक है तो ये हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट मिल गया आगे पढ़ते हैं द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेसिस्टेंस इट्स इन टाइम टी हाफ यानी कि हाफ टाइम पीरियड कैन बी ऑब्टेंड बाई इंटीग्रेटिंग द दब इक्वेशन बिटवीन द लिमिट्स टी इक्वल टू जीरो यानी हमसे बोले कि जो अमाउंट ऑफ हीट है टी हाफ टाइम टी हाफ टाइम से कहने का मतलब यह है कि हाफ साइकिल जो हमारी बन रही है हाफ साइकिल बनने में जो टाइम लगा उतने टाइम में कितनी हीट जनरेट हुई वो निकालने के लिए जो हमें ऊपर जो इक्वेशन दी हुई है इसका क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और जो टी की लिमिट है वो लेनी पड़ेगी हमें टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू टी अपॉन हाफ कैपिटल टी अपॉन हाफ ठीक है तो हमने इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो एच इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू टी हाफ आई स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी ओके आई स्क्वायर आर तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा अब यहाँ बचा हमारे पास साइन जो है टी का फंक्शन है तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बट प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जो साइन है उसका स्क्वायर है साइन स्क्वायर ओमेगा टी तो इसलिए हम इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कन्वर्ट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है वो फॉर्मूला हमारे पास है ये साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जाता है वन माइनस कॉस टू थीटा होलपॉन टू ओके सभी इस चीज़ को नोट करें कि ये जो फॉर्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो तो इससे परिचित होते हैं लेकिन जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसको समझने में तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखें कि साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जाता है हमेशा वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू लिखा जाता है अब ऊपर जो इक्वेशन है ऊपर इक्वेशन में थीटा की जगह पर क्या है हमारा ओमेगा टी है तो हमें ओमेगा uh, टी रखना पड़ेगा तो ऐसा करने पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी आ, इंटीग्रेशन जीरो टू टी हाफ आई नॉट स्क्वायर वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू डी टी ठीक है थीटा की जगह पर क्या है ओमेगा टी है अब यहाँ से आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर आर और टू ये हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे ठीक है इंटीग्रेशन से बाहर लेने पर अंदर बचा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ टी हाफ वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी डी टी अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी टी को अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया और इंटीग्रेशन को तो हमें मिला इंटीग्रेशन जीरो टू टी हाफ डी टी माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू टी हाफ कॉस टू ओमेगा टी डी टी अब हम अलग अलग इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी तो यहाँ पर लिमिट ले लेंगे जीरो टू टी हाफ माइनस कॉस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस का होता है आपका साइन तो साइन टू ओमेगा टी और यहाँ पर जो टी काफिशियट है टू ओमेगा है तो वो अपॉन में आ जाता है तो टू ओमेगा अपॉन में आ गया तो बचा हमारे पास जीरो टू टी हाफ हमने लिमिट ले ली बाहर से अब हम यहाँ पर लिमिट क्या करेंगे एक एक करके पुट करेंगे अपर लिमिट फिर उसके बाद माइनस लोअर लिमिट तो आई नॉट स्क्वायर आर तो आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन टू तो बाहर है अंदर बचा हमने लिमिट रखी इसमें तो अपर लिमिट टी हाफ है तो टी हाफ Zero, तो, zero, तो, t जीरो हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास साइन जीरो okay? तो साइन जीरो की वैल्यू तो हम जानते हैं जीरो होता है तो ये तो जीरो हो गया बचा हमारे पास ये वाला पोर्शन तो आगे देखते हैं आगे हमारे पास आया h इक्वल टू आई नोट स्क्वायर आर टी ब्रैकेट में टी अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू ओमेगा साइन ओमेगा टी ठीक है जो साइन जीरो था वो जीरो हो गया अब हमारे पास इतनी वैल्यू बची है अब हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू होता है टू पाई अपॉन टी ठीक है तो अब ये वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा की जगह पर दो जगह पर ओमेगा आ रहा है दोनों जगह पर हमें ओमेगा रखना है तो एच इक्वल टू आई नोट स्क्वायर आर टी हाफ माइनस टी फोर पाई इंटू साइन टू पाई अपॉन टी इंटू टी ये कैसे आया जो अब यहाँ पर अपॉन था टू टू के साथ ओमेगा था ओमेगा की जगह पर टू पाई अपॉन टी रखा तो मल्टीप्लाई होकर सॉल्व करके टी अपॉन फोर पाई आ जाएगा और अंदर जो साइन के अंदर ओमेगा है वहाँ पर टू पाई अपॉन टी रखेंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा आपका बचेगा खाली टू पाई तो साइन टू पाई साइन टू पाई का मतलब होता है आपका साइन थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री तो साइन थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री की वैल्यू जीरो होती है तो ऐसी सिचुएशन में ये जीरो हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास सिर्फ टी हाफ ओके तो आई टू से टी अपॉन टू को मल्टीप्लाई किया तो एच इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गई okay? अब इफ आर एम एस इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी देन अगर आई आर एम एस क्या है आर एम एस वैल्यू है ए सी करेंट की अल्टरनेटिंग करेंट की तो ऐसी वैल्यू क्या होगी इसकी वैल्यू होगी एच इक्वल टू नई आर एम एस स्क्वायर आर टी अपॉन टू टी अंट टू क्या है हाफ टाइम इंटरवल आर आपका रेजिस्टेंस और करंट कितनी है आई आई आर एम एस करेंट है तो इसका स्क्वायर आगे देखें कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास एच इक्वल आई नॉट स्क्वायर आर टी और यहाँ पर थर्ड एच इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर आर इन टू टी हाफ ठीक है तो ये वैल्यूज हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी तो हमने दोनों को इक्वल रखा तो ये वैल्यू आई हमारे पास अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा टी से टी कैंसिल हो जाएगा और, और इसके साथ साथ टू से फोर कैंसिल हो जाएगा टू बार ओके तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी आई आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू वन पॉइंट टू आई नॉट स्क्वायर अब यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड का तो बोथ साइड का आपका स्क्वायर रूट लेने पर हमें क्या वैल्यू मिलेगी देखें हमें वैल्यू मिलेगी आई आर एम एस इक्वल वन अपॉन अंडर रूट टू आई नॉट ओके अब वन अपॉन रूट टू रूट टू की वैल्यू कितनी होती है रूट की वैल्यू होती है आपका वन समथिंग होती है ठीक है तो ये वैल्यू रखकर हम वन को डिवाइड करेंगे वन पॉइंट फोर वन से तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन आई नॉट तो यहाँ से वैल्यू यहाँ से हमें ये पता चला कि जो आई आर एम एस वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट की वो आई नॉट करंट की जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन टाइम्स होती है ठीक है अगर हम परसेंट की बात करते हैं तो इसी वैल्यू को आप हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सेवेंटी पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ आई नॉट ओके तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला दस द आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी या और वर्चुअल वैल्यू ऑफ ए सी इज जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन टाइम्स और सेवनटी पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ इट्स पीक वैल्यू ओके यानी कि अगर हम डायरेक्ट बात करेंगे तो जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन टाइम्स होती है आर एम एस वैल्यू पीक वैल्यू की और अगर परसेंट में बात करेंगे तो लिखेंगे भाई सेवेंटी पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ पीक वैल्यू यानी पीक वैल्यू की कितना परसेंट होता है सेवनटी पॉइंट सेवन परसेंट होता है ठीक है तो इसी प्रकार से आगे देखें सिमिलरली इट कैन बी proved दैट वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग emf is e इज़ equal to e not इक्वल टू root 2 अपॉन to 0.707 टू इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन ई ठीक है जैसे कि हमने आई आर एम एस की वैल्यू निकाली ठीक उसी प्रकार से ई आर एम एस की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं और वो भी कितनी होगी ई आर एम एस इक्वल टू ई नॉट अपॉन अंडर रूड टू इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन ई नॉट ये भी कितना होगा जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन ई नॉट टाइम्स होगा ई नॉट की ठीक है यानी बोल सकते हैं द आर एम एस वैल्यू ऑफ ई एम एफ ई एम एफ इज जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन टाइम्स ऑफ इट्स पीक वैल्यू ई नॉट ओके तो आज की वीडियो में हमने देखा कि आर एम एस वैल्यू क्या होती है और आर एम एस वैल्यू और पीक वैल्यू के बीच में रिलेशन क्या होता है ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू सो मच